हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ द क्रैक्ट पॉट फ्रॉम योर बुक माय इंग्लिश कंपेनियन क्लास 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इस लेसन को हिंदी में। देयर वॉज अ वाटर बियर इन इंडिया। भारत में एक पानी वाहक था। ही हैड टू लार्ज पोर्ट्स। उसके पास दो बड़े घड़े थे। ईच पोर्ट हंग ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल। और एक जो पोल था उसके पास, उसके दोनों जो कॉर्नर थे उस पर वो एक एक घड़ा लटका लेता था। ही कैरिड दीज पोर्ट्स ऑन हिज शोल्डर्स। और फिर वो इन दोनों जो पोर्ट्स थे उनको अपने शोल्डर पे रख के क्या करता था, कैरी करके लेके जाता था। ही डिलीवर्ड वाटर टू हिज मास्टर इन दिस टू पोर्ट्स। और वो अपने जो मास्टर था, जो मालक था, उसको इस पोर्ट में पानी भर के लेके दे के आता था। वन ऑफ द पोर्ट हैड अ क्रैक इन इट। एक पोर्ट में क्रैक था। बट द अदर पोर्ट वॉज परफेक्ट। लेकिन दूसरा पोर्ट जो था, घड़ा था, वो बिल्कुल ठीक था। द क्रैक्ड पोर्ट वॉज ऑलवेज हाफ फिल्ड विद फील्ड। जो क्रैक्ड पोर्ट था वो हमेशा ही आधा भरा जाता था। बट द अदर पोर्ट हैड फुल वाटर। लेकिन दूसरा पोर्ट जो था, जो बिल्कुल सही सलामत था, उसमें फुल पानी रहता था। अब इसमें आधा क्यों रहता था? क्योंकि ये तो टूटा हुआ था। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द रिवर टू हिज मास्टर्स हाउस। ये कब तक आधा हो जाता था? जब तक मालिक के घर तक पहुंचता ये बंदा, तब तक ये आधा हो जाता था, क्योंकि ये टूटा हुआ था और पानी थोड़ा थोड़ा इसमें से गिरता रहता था। लेकिन इस पोर्ट का पानी गिरता नहीं था, इसलिए ये फुल जो था वो रहता था। फॉर टू ईयर्स दिस वेंट ऑन डेली। और 2 साल तक ऐसे ही होता रहा। जो पानी वाहक था वो क्या करता था, वो नदी से पानी लेके आता था, दोनों पोर्ट्स को भरता था। लेकिन एक पोर्ट क्रैक होने की वजह से हाफ हो जाता था, जब तक वो अपने मालिक के घर जाता था। ऑफ कोर्स द परफेक्ट पोर्ट वॉज प्राउड ऑफ इट सेल्फ। और जो परफेक्ट पोर्ट था, ये वाला जो बिल्कुल साबुत है, जिस जो टूटा हुआ नहीं है, उसको अपने आप पे घमंड था। इट वॉज परफेक्ट फॉर वॉट इट वॉज मेड फॉर। और इसको क्या घमंड था? कि ये पानी भरने के लिए ही जो था बना हुआ था, पानी के लिए ही बना हुआ था, और ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट द पुअर क्रैक्ड पोर्ट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स क्रैक। लेकिन बेचारा टूटा हुआ घड़ा जो था, उसको खुद पे शर्म आती थी। इट वॉज सैड, ये उदास था, दैट इट कुड नॉट ड्रिंक, दैट इट कुड ब्रिंग ओनली हाफ द वाटर। कि ये सिर्फ आधा पानी ही ले जा पाता है, क्योंकि पूरा पानी तो वो ले ही नहीं जा पाता था। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, वन डे द क्रैक पोर्ट स्पोक टू द वाटर बियरर। जो टूटा हुआ या जो क्रैक्ड था पोर्ट, वो पानी वाहक से कहता है, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। कहता कि मुझे खुद पे ना शर्म आती है। एंड आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। और कहता कि मैं आपको ना सॉरी फील करना चाहता हूँ। द वाटर बियरर आस्क्ड व्हाई। और पानी वाहक ने कहा, क्यों तुम सॉरी फील क्यों करना चाहते हो? व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ, तुम्हें किस बात की शर्म आती है? द पोर्ट रिप्लाइड, घड़े ने उत्तर दिया, फॉर दिस पास्ट 2 ईयर्स आई डिलीवर्ड लेस वाटर दैन द अदर पोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रैक इन माई साइट। अब वो कहता कि दूसरे पोर्ट से मैं आधा पानी ही ले जा पाया इन 2 साल में, क्योंकि मेरे साइड में एक क्रैक है। माई वाटर लीक्स, मेरा पानी लीक हो जाता है आउट ऑल द वे, और ये बाहर निकल जाता है सारे रास्ते में, बैक टू योर मास्टर्स हाउस, जब तक तुम अपने मालिक के घर तक जाते हो। यू डो नॉट गेट फुल वैल्यू फॉर योर एफर्ट्स। और तुम जितना मेहनत करते हो, उसका तुम्हें वाजिब दाम नहीं मिलता, या उसका मूल्य नहीं पड़ पाता उतना, बिकॉज ऑफ माई क्रैक, क्योंकि मुझ में एक क्रैक है। द वाटर बियरर फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड क्रैक्ड पोर्ट। और जो वाटर बियरर था, जो पानी वाहक था, उसको उस पर दया आती है। ही सेड टू द पोर्ट, उसने घड़े से कहा, टुडे व्हेन वी रिटर्न टू द मास्टर्स हाउस, आज जब हम मालिक के घर वापस जाएंगे, आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ। मैं चाहूँगा कि तुम जो रास्ते में सुंदर सुंदर फूल है ना, उनको देखो। एज दे रिटर्न फ्रॉम द रिवर, जैसे ही वो उस रिवर से वापस हुए, द क्रैक्ड पोर्ट टुक नोटिस ऑफ द सन वार्मिंग द ब्यूटिफुल विद वाइल्ड फ्लावर्स ऑन द साइड ऑफ द पाथ। तो जो पोर्ट है वो क्या देखता है कि उसके साइड्स पे बहुत ही सुंदर सुंदर जो थे
वाइड फ्लोर्स थे। इट वॉज हैप्पी टू सी द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और ये उन सुंदर फूलों को देख के बहुत खुश हुआ। बट एट द एंड ऑफ द पाथ, लेकिन उस रास्ते के बिल्कुल अंत में, इट स्टिल फेल्ट बैड, इसको अभी भी बुरा लग रहा था, बिकॉज इट हैड अगेन लीक्ड आउट हाफ द वाटर, और क्योंकि इसमें से अभी फिर से आधा वाटर जो था, आधा पानी जो था वो लीक हो गया था। इट अपोलोजाइज टू द वाटर बियरर फॉर इट्स फॉल्ट, और इसे अपनी गलती पर जो था वो दुख था, और उसने उससे माफ़ी मांगी पानी वाहक से। द बियरर सेड टू द पोर्ट, जो वाहक था उसने घड़े को कहा, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, क्या तुमने ये नोटिस किया कि सिर्फ तुम्हारी वाली साइड पे फूल थे, देयर वर नो फ्लावर्स ऑन द अदर पोर्ट साइड, और दूसरे जो पोर्ट जो बिल्कुल साबुत था उसकी तरफ पे कोई भी फ्लावर नहीं था। आई न्यू अबाउट योर क्रैक, मुझे तुम्हारे इस टूटे होने का पता था कि यहाँ से तुम क्रैक हो। आई प्लांटेड फ्लावर सीड ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, और कहता कि मैंने यहाँ पे ना जिस तरफ तुम मतलब तुम होते थे, मैंने उस तरफ कौन से सीड्स डाल दिए थे, मैंने फूलों के बीज डाल दिए थे। एंड एवरी डे वाइल वी वॉक्ड बैक फ्रॉम द रिवर, और जब हम हर रोज नदी से वापिस आते थे, द लीक्ड वाटर फेल ऑन देम, जो लीक हो रहा था पानी वो उन पे गिरता था। विदाउट वाटर फेल ऑन देम, विदाउट यू बींग जस्ट द वे यू आर, वी वुड नॉट हैव सीन दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। विदाउट यू बींग जस्ट द वे यू आर, अब हमने ये देखे बिना कि तुम जिस रास्ते से जा रहे हो, वी वुड नॉट हैव सीन दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, हमने तो ये ब्यूटिफुल फ्लावर्स जो थे वो देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, मतलब क्या कि उसमें चाहे क्रैक था, लेकिन उसने नेचुरल ब्यूटी जो थी उसको बढ़ाया था, जो पानी वाहक ने वहाँ पे फ्लावर्स के लिए फूलों के जो बीज डाले थे वो उसी पानी से सिंचित हुए और वहाँ पे वो फूल बनकर लहरा रहे थे। तो इस तरह से उसने नेचुरल ब्यूटी को बढ़ावा दिया था। तो ये बहुत ही सुंदर जो पार्ट था, मुझे तो पढ़ के बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।